तो यार गेमर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है आप लोग बेसिकली समझ चुके होंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में दो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। दो टॉपिक में आप कह सकते हो एक ही वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। बेसिकली नायरी कैरेक्टर का जो मतलब एबिलिटी है उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके साथ उसका टेस्ट भी करेंगे। एंड उसके अलावा स्काइलर कैरेक्टर और नायरी कैरेक्टर का दोनों का यहाँ पर मैं कंपैरिजन भी करने वाला हूँ, वर्सेस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहो। आप दोनों कैरेक्टर ही आप कह सकते हो मतलब मेन जो इन दोनों का स्किल है ग्लोबल के ऊपर है, ग्लोबल से रिलेटेड है, तो दोनों के ऊपर भी मैं बात करूंगा ए टू जेड। मेक श्योर आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना जिसने भी अभी तक नहीं किया। सो हेलो गेमर्स, मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हो डार्क शूटर गेमिंग का एक और फ्रेश एंड एक्साइटिंग वीडियो। चलो करते हैं जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, उस वीडियो का टॉपिक को स्टार्ट। तो यार मेरे को पता है आप लोगों में से जितने भी बंदे यहाँ पर देख रहे हो ये वाला वीडियो, दोनों में दोनों कैरेक्टर्स के जो एबिलिटी उसको पता होगा, लेकिन आज का वीडियो दोनों के कंपैरिजन में मैं बात करने वाला हूँ। एंड आप लोग कह सकते हैं मैं इस वीडियो का टाइटल तो ऑब्वियसली रखने वाला हूँ, हु इज ग्लोबल गॉड। ठीक है, तो दोनों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्काइलर जो कैरेक्टर है उसका एबिलिटी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है यार, वीडियो का टॉपिक है तो बताना तो चाहिए। देखो दोनों का ही दो टाइप के स्किल है। तो सबसे पहला स्किल स्काइलर का आप सभी को पता है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर ये फोड़ देता है जो कि भी ग्लोबल रहता है उसको, यहाँ पर 50 मीटर्स के रेंज पर आई थिंक मैक्सिमम 5 तक ये फोड़ सकता है। ये तो है बेसिकली जो हमारे स्काइलर कैरेक्टर का एबिलिटी है। इसके बाद मैं बात करूंगा हमारा नायरी कैरेक्टर का जो एबिलिटी है जो गेम के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ग्लूवल लगाने के बाद अगर आप या आपका कोई एनिमी बाहर से अगर फायर करता है तो ग्लूवल के ऊपर कुछ इस टाइप का यार उठता है, जो कि यार इसका एनिमेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। एंड आपको यहाँ पर देखने में भी लग रहा है कि भाई कोई एक मतलब शैडो टाइप का है, सील टाइप का कह सकते हो, बेसिकली यहाँ पर ग्लूवल को गार्ड कर रहा है। एंड आप इसको जितना भी फायर करोगे एनिमी यहां पर अगर लगातार भी फुल SMG देख सकते हो MP5 का फुल एमओ भी यहां पर डाल देगा तो भी एक ग्लू वाल यहां पर टूटने वाला है नहीं, और अगर वो थोड़ा सा भी यहां पर रिलोड पे लगा देता है तो बेसिकली आपका ग्लू वाल फिर से पहले जैसा, देख सकते हो पूरा MP5 का यहां पर गोली ताड़ दिया, लेकिन ग्लू वाल को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है एनिमी के लिए। तो ये तो है दोनों कैरेक्टर्स का, आपने देखा एक यार मतलब तुरंत ही ग्लूवल को तोड़ देता है। अभी जो दूसरा यहाँ पर कैरेक्टर है हमारा नायरी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है, ग्लूवल को तोड़ने से फुल बचाता है, यानी कि अगर आप यार मतलब MP5 का पूरा एकदम बुलेट लगा दो तभी भी ग्लूवल को तोड़ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब दोनों ही अपोजिट टाइप का काम करता है। तो अभी यार हमें देखने के लिए मतलब देखना है मेन चीज़ कि स्काइलर जो कि है नायरी कैरेक्टर वाला ग्लूवल अपने स्किल से कैसे तोड़ता है, क्योंकि स्काइलर का जो एक रे निकलता है, एक वेव जो निकलता है रेड कलर का, वो बेसिकली सारे ग्लूवल्स को तोड़ देता है। तो बेसिकली हमें वो चीज़ देखना है कि यहाँ पर जो स्काइलर कैरेक्टर है एंड जो हमारे नायरी कैरेक्टर का ग्लूवल लगाता है वो बेसिकली तोड़ने में कितना टाइम, अगर तोड़ पाता है कि नहीं पाता, इसके लिए यार हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिलहाल अभी जो दूसरा स्किल है उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। स्काइलर कैरेक्टर का दूसरा स्किल है, मेरा यहाँ पर आप हेल्थ देख सकते हो 160 है, ग्लूवल लगाने के बाद मेरा जो 160 हेल्थ है वो यहाँ पर 200 कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर भी मैं हेल्थ आप देख सकते हो 95 है, और यहाँ पर एक ग्लूवल लगाने के बाद मेरा हेल्थ यहाँ पर 95 से बढ़कर हो चुका है 137। एंड दूसरा ग्लूवल यहाँ पर लगाने के बाद मेरा हेल्थ, बेसिकली यार जितना ग्लूवल आप लगाओगे स्काइलर कैरेक्टर आपको उतना HP देता रहेगा। यह है हमारे स्काइलर कैरेक्टर का आप कह सकते हो जो सेकंड स्किल है, ये बेसिकली वही है हमारा स्काइलर कैरेक्टर का। अभी हमारी जो नायरी कैरेक्टर है इसका जो सेकंड स्किल है ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी मेरे भाई। तो अगर आप ARMO जैसे देख सकते हो मेरे पास स्कार है, तो स्कार भी ARMO है, अगर आप ARMO से किसी भी ग्लूवल को मारते हो तो वो आपका ग्लूवल बहुत ही जल्द तोड़ देगा। तो लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो कि रोहित भाई ये वाला ग्लूवल तो उतना जल्दी टूट नहीं रहा है, तो भाई ये वाला ग्लूवल नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से बना है ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेन चीज है यार वो बड़ा ऐड मेरे को याद आ गया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ये अंबुजा सीमेंट से बना है। तो ये जो इसका मतलब नायरी कैरेक्टर है बेसिकली ये खुद अपना ग्लूवल टूटेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन किसी एनिमी के पास जिसके पास स्काइलर कैरेक्टर सॉरी नायरी कैरेक्टर नहीं है उसका ग्लूवल ये नायरी कैरेक्टर बहुत ही जल्द तोड़ देगा, क्योंकि ये खुद नायरी कैरेक्टर है और इसने जो ग्लूवल लगाया है उस पर एक सील्ड प्रोटेक्शन आप कह सकते हो,
जो कि यार खुद को रिकवर कर रहा है, इसीलिए इसको अगर कोई यार एमओ से मारेगा तो आपको ज्यादा फर्क यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नायरी कैरेक्टर किसी दूसरे बंदे के, मतलब जिसके पास नायरी कैरेक्टर नहीं है, वो अगर ग्लूअल लगाता है और आपका नायरी कैरेक्टर अगर एआर एमओ पकड़ के है, तो जो दूसरे बंदे का ग्लूअल है बहुत ही जल्द नायरी कैरेक्टर यहाँ पर तोड़ देगा। अभी यार ये जो दो चीज़ है जो कि मैंने आपको अभी बात करा दो चीज़ों के बारे में, एक चीज़ मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारा स्काइलर है वो क्या नायरी कैरेक्टर का ग्लूअल अपने स्किल से, मतलब अपना जो वेव है उस वेव से तोड़ पाता है कि नहीं, वो हमें अभी देखना है। एंड जो सेकंड चीज़ यहाँ पर है, अगर कोई भी एनिमी के पास अगर प्लेन ग्लूअल रहता है, ठीक है, तो जो प्लेन एआरएमओ लगता है एक ग्लूअल को तोड़ने के लिए, वो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। एंड वही चीज़ सेम ग्लूअल सेम गन, ठीक है, वही चीज़ हमें नायरी कैरेक्टर को स्किल में ला के हमें अभी यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो अभी यार जो मेन डिस्कशन है जो कि है ग्लूअल गॉड, आप लोग बात कर रहे हो, तो ग्लूअल गॉड यहाँ पर मैं तो यार अभी तो यार बेसिकली मैं बात करूँगा हमारा नायरी कैरेक्टर को, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो स्काइलर कैरेक्टर तो फटाक से तोड़ देता है, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है भाई हम जो ग्लूअल लगाए उसको ज़्यादा बंदे यहाँ पर तोड़ नहीं पाए। तो अभी देखो फुल जो कि है ग्लूअल गॉड बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मेन वर्सेस होने वाला है वो होने वाला है हमारा स्काइलर कैरेक्टर एंड नायरी कैरेक्टर के साथ। अगर स्काइलर कैरेक्टर हमारे नायरी कैरेक्टर के ग्लूअल को तोड़ देता है तो स्काइलर ग्लूअल गॉड रह जाएगा, और अगर स्काइलर का स्किल हमारे नायरी कैरेक्टर के ग्लूअल को नहीं तोड़ पाता है तो जाहिर सी बात है नायरी कैरेक्टर आप कह सकते हो हमारा न्यू ग्लूअल गॉड या न्यू ग्लूअल किंग बन जाएगा। तो यार फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, डिटेल्स आप सभी लोगों तक दिखाना था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ जो वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बताया स्काइलर वर्सेस नायरी का, उसके रिलेटेड वीडियो आप लोग देखना पसंद करेगे, मतलब करोगे कि नहीं। एंड आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आपको क्या लगता है कौन यार ग्लूअल गॉड का खिताब जीतेगा, स्काइलर या नायरी? बेसिकली देखा जाए तो देखो स्काइलर एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, नायरी एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। आप दोनों कैरेक्टर को यहाँ पर रख सकते हो तो एक आपको क्या करेगा, आपका जो एनिमी है उसके ग्लूअल तोड़ने में हेल्प करेगा। एंड एक कैरेक्टर आप जितने भी ग्लूअल्स यहाँ पर लगाओगे उसको यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर स्काइलर कैरेक्टर एंड नायरी कैरेक्टर को यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर जितने भी ग्लूअल्स लगाओगे आपको स्काइलर कैरेक्टर उसका एचपी भी देता रहेगा, उसके अलावा नायरी कैरेक्टर उस ग्लूअल को तोड़ने से आपको बचाएगा, मतलब उतना ज़्यादा उतना जल्दी एनिमी आपको यहाँ पर आपका जो ग्लूअल है आप जो ग्लूअल लगाओगे उसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मतलब क्या बोलते हैं उसको दिमाग जिसके पास मतलब दिमाग आदमी क्या बोलते हैं उसको बुद्धिमान बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो आदमी क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा यहाँ पर स्काइलर एंड नायरी दोनों को ही कैरेक्टर में रख लेगा, मतलब कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन उसका जो होने वाला है वो स्काइलर को रखेगा अपने एक्टिव स्किल पर एंड हमारे नायरी कैरेक्टर को रखेगा हमारे पैसिव स्किल पर। तो फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मेरा ओपिनियन आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट करके यहाँ पर आप ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल पर न्यू आते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ही आपको रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन दिख गया होगा उसको प्रेस कर देना, साथ ही घंटे वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपके साथ और एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टाटा।